સૌથી પહેલા વાત મહત્વના સમાચારની. તો કોરોના વાયરસના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી સરકારે તેને મહામારી જાહેર કરી છે. સાથે દિલ્હીના તમામ સિનેમાઘરોને 31 માર્ચ સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ કરાયો છે. આ ઉપરાંત જે સ્કૂલોમાં પરીક્ષા પૂરી થઈ ગઈ છે તેને પણ 31 માર્ચ સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ કરાયો છે. હરિયાણા પછી કોરોનાને મહામારી જાહેર કરનાર દિલ્હી બીજું રાજ્ય છે. તો આ અંગે TV9 સંવાદદાતા રજનીશ રંજન વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે. જી રજનીશ. बिल्कुल, देखिए कल WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित किया था पूरी दुनिया में, और उसका असर भारत में दिख रहा है. पहले हरियाणा की सरकार और अब दिल्ली की सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है, और दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल, सभी स्कूल कॉलेज जहां एग्जाम हो गए हैं उसको 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया गया है. और इसके अलावा जो मॉल है दिल्ली में उनको समय समय पर संक्रमण मुक्त करने के उपाय उठाने का निर्देश भी दिल्ली सरकार ने दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उन दोनों की बैठक में ये बड़े निर्णय लिए गए हैं. दूसरी अहम जानकारी ये है, राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति भवन में जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि अगले आदेश तक राष्ट्रपति भवन में कोई भी पर्यटक नहीं जाएंगे. और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स और चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी जो है उसको भी अगले नोटिस तक, अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. ये तमाम जो उपाय हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लिए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, देश के लोगों को पैनिक से पैनिक में नहीं आने की बात उन्होंने की है. तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो स्थितियां बन रही है उस पर ये सारे डेवलपमेंट. धन्यवाद जानकारी के लिए.